अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग आपका फिजिक्स टीचर स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर फोर के फोर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हैं फोर पॉइंट सेवन टू फोर पॉइंट टेन तक तो स्टूडेंट्स लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट सेवन विच स्टेट्स दैट वेन अ रॉकेट री एंटर्स दैटमोस्फेयर इट्स नोस स्कोन बिकम्स वेरी हॉट वेयर डज दिस हीट इनर्जी कम फ्रॉम स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टेट्स दैट कि जब भी एक रॉकेट एटमोसफेयर में एंटर होता है तो उसका जो फ्रंट पार्ट है जिसको हम नोज कोन कहते हैं वो बहुत गर्म हो जाता है तो वो जो हीट इनर्जी है वो कहाँ से आती है तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है हम लिखेंगे When the rocket re enters into the atmosphere, then a part of its kinetic energy is used to do work against friction with air and dust particles present in atmosphere which will be appear in the form of heat therefore due to this reason nose cone of rocket बिकम वेरी होड तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा कि हमने आंसर में मेंशन किया कि एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स और एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जैसे ही रॉकेट एटमॉस्फेयर में से गुजर के जाएगा तो ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर एंड द डस्ट पार्टिकल्स रॉकेट की काइनेटिक इनर्जी वेस्ट होगी जो कि कन्वर्ट होगी ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट जिसकी वजह से रॉकेट की नोज कौन बहुत गर्म हो जाती है तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा और हमने आंसर में भी मेंशन किया कि जैसे ही रॉकेट एटमॉस्फेयर में से गुजरेगा और एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं एयर पार्टिकल्स मौजूद हैं तो ड्यू टू द फ्रिक्शन रॉकेट की काइनेटिक इनर्जी फ्रिक्शन की वजह से वेस्ट होगी और वो किसमें कन्वर्ट होगी हीट इनर्जी में और इसी हीट इनर्जी की वजह से रॉकेट की नोज कौन गर्म हो जाती है तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट सेवन का आंसर डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट एट विच स्टेट दैट वट सोर्ट ऑफ एनर्जी इज इन कंप्रेस्ड स्प्रिंग वॉटर इन अ मूविंग कार तो स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन हमने बताना यह है कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी होती है वाटर इन अ हाई डैम में कौन सी एनर्जी होगी और मूविंग कार कौन सी एनर्जी प्रोजेस करती है तो स्टूडेंट सबसे पहले हम कंप्रेस्ड स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जैसा कि हमने चैप्टर नंबर फोर में डिस्कस किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्रेस्ड या स्ट्रेच्ड स्टेट की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ स्टूडेंट्स अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं कि वाटर इन अ हाई डैम में कौन सी एनर्जी होगी तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जैसा कि पानी डैम के अंदर स्टोर्ड होता है और उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन है इन द ग्रेविटेशनल फील्ड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो वाटर इन अ हाई डैम में कौन सी एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नाउ स्टूडेंट्स अब हम लास्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं कि मूविंग कार के अंदर कौन सी एनर्जी हो सकती है तो स्टूडेंट्स याद कीजिएगा जब हमने काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन को डिस्कस किया था द एनर्जी प्रोजेस्ड बाय अ बॉडी तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको मालूम होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं तो सिमिलरली स्टूडेंट्स मूविंग कार के अंदर कौन सी एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर एट का आंसर डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर स्टेट्स गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच ब्रेक्स इन टू पीसेस वट इनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व तो स्टूडेंट्स इस आंसर का क्वेश्चन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इनर्जी एंड काइनेटिक इनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इनर्जी तो स्टूडेंट्स इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी वाले टॉपिक में हमने सीखा था कि किस तरह से पोटेंशियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जी में कन्वर्ट होती है और किस तरह से काइनेटिक इनर्जी पोटेंशियल इनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने सीखा था कि किस तरह से वन फॉर्म ऑफ एनर्जी सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट तो हो सकती है लेकिन सिस्टम की टोटल इनर्जी हमेशा क्या रहती है कॉन्स्टेंट रहती है तो स्टूडेंट्स जब लड़की के पास कप मौजूद होगा जब उसने कप को पकड़ा होगा उस वक्त कप के अंदर सारी की सारी एनर्जी कौन सी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि स्टूडेंट्स उसने कप को एक सर्टेन हाइट के ऊपर लिफ्ट किया हुआ है उठाया हुआ है तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम तो हम यहां पर लिखेंगे कि मैक्सिमम हाइट पर कप के अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज मैक्सिमम लेकिन जैसे ही गर्ल कप को ड्रॉप करेगी तो कप वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसकी हाइट में डिक्रीज आएगा और हाइट में डिक्रीज आने की वजह से उसकी पोटेंशियल इनर्जी में डिक्रीज आएगा लेकिन जैसे ही कप जमीन के साथ जाकर टकराएगा तो टकराने से बिल्कुल पहले उस कप की स्पीड मैक्सिमम होगी तो स्पीड मैक्सिमम होने की वजह से उस कप की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे कप नीचे की तरफ आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही कप फ्लोर के साथ ज़मीन के साथ या ग्राउंड के साथ आकर टकराएगा तो आपको पता है साउंड प्रोड्यूस होगा कुछ हीट प्रोड्यूस होगी इट मींस दैट काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी और कुछ एनर्जी यूज़ होगी कप को पीसीज में डिवाइड करने में तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले कप के अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी में हीट एनर्जी में हीट इनर्जी स्टूडेंट्स प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द कप एंड द ग्राउंड और स्टूडेंट्स कुछ एनर्जी यूज होगी टू ब्रेक द कप इन टू पीसेस तो स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ़ इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज इट इज आल्सो अ गुड एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इनर्जी इस क्वेश्चन में हमने देखा कि किस तरह से पोटेंशियल इनर्जी काइनेटिक इनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और किस तरह से काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनर्जी में कन्वर्ट हो रही है लेकिन स्टूडेंट्स सिस्टम की टोटल इनर्जी हमेशा क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी डियर स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट नाइन का आंसर जिसको हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इनर्जी एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इनर्जी एंड काइनेटिक इनर्जी डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फोर की एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट टेन एंड इट स्टेट्स दैट अ बॉय यूजिस कैटापल्ट टू थ्रो अ स्टोन विच एक्सीडेंटली स्मैशिज अ ग्रीन हाउस विंडो लिस्ट द पॉसिबल इनर्जी चेंजेस तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ड कैटापर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब है गुलेल फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है जिसने गुलेल की मदद से एक पत्थर पहका है और वो पत्थर एक्सीडेंटली एक ग्रीन हाउस की विंडो के साथ जाकर लगता है और विंडो टूट जाती है इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि कौन कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर भी हम क्वेश्चन नंबर नाइन ही की तरह करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी तो स्टूडेंट्स गुलेल जैसा कि आपको पता है उसमें एक इलास्टिक ऑब्जेक्ट होता है तो ड्यू टू इलास्टिसिटी इट मीन्स दैट कि इनिशियली कैटापल्ट के अंदर कौन सी एनर्जी मौजूद है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसको मिलेगी स्टोन को और स्टोन मूव करेगा और मूव करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम ज़ीरो वेलोसिटी इट मींस दैट कि स्टोन की वेलोसिटी में इजाफा होगा तो ड्यू टू द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा जैसे ही स्टोन ग्रीन हाउस की विंडो के साथ जाके टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी साउंड एनर्जी में कुछ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी हीट इनर्जी में ड्यू टू द फ्रिक्शन और स्टूडेंट्स कुछ एनर्जी कन्वर्ट होगी टू ब्रेक द विंडो इनटू टू इस क्वेश्चन का आंसर भी सिमिलर है किसके क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट नाइन के आंसर के तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब कैटापल्ट से स्टोन निकलेगा स्टोन की विलोसिटी में इंक्रीज आएगा जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ आएगा जैसे ही स्टोन ग्रीन हाउस की विंडो के साथ जाके टकराएगा, आवाज़ पैदा होगी मींस काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट इनर्जी में कन्वर्ट होगी ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन और कुछ एनर्जी यूज़ होगी वेस्ट होगी टू ब्रेक द विंडो टू दीसीज डियर स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर फोर पॉइंट टेन का आंसर जो कि चैप्टर नंबर फोर का आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पर चैप्टर नंबर फोर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं जी स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा कि आज हमने क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन एंड क्वेश्चन नंबर टेन के आंसर को डिस्कस किया है तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चारों क्वेश्चन के आंसर्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज़